प्रदेश की शिवराज सरकार भले ही सूबे में सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात करती हो, लेकिन प्रदेश में ग्राम पंचायतों में एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत डोंगर गांव का है, जहां पुलिया निर्माण के लिए 9 लाख से ज्यादा आहरण तो किया गया, लेकिन पुलिया सिर्फ कागजों में बनकर रह गई। दरअसल पूरा मामला बड़वानी जिले के पाटी जनपद पंचायत का है, जहां ग्राम डोंगर गांव के आंबा फलिया में वर्ष 2017-18 में 9,32,000 की लागत से सिंगल पाइप पुलिया स्वीकृत हुई थी, लेकिन उस जगह पर पुलिया का निर्माण कार्य हुआ ही नहीं, जबकि कागजों पर पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण बताया गया। लाखों रुपए की राशि का गबन सरपंच, सचिव व इंजीनियर मिलकर कर चुके हैं। का मामला ये है कि हमको पता ही नहीं था, यानी कि जैसे ग्राम सभा नहीं होती इसलिए हमको ये नहीं मालूम था कि यहाँ पे पुलिया स्वीकृत हुआ। माप के लिए गए थे, इंजीनियर आया था खोदरी में, जो सिर्फ छोटी खोदरी थी वहाँ, जहाँ पे गड्ढा ज्यादा हो जाता था बारिश में, लोगों की परेशानी जाती। आंबा फैला के नाम से है और मंदिर फैला ही बोलते, दोनों में आ जाते हैं, आंबा फैला ही बोल सकते हैं। सरकारी कागज में कह रहे हैं उनका ये है कि 9 लाख से समथिंग था वो, ज्यादा वो पैसे निकल गए और पुलिया भी बन गए, वो आंबा फैला में बन गया ऐसा बता रहे। वहीं जब इस मामले में पार्टी CMO अभिषेक त्रिवेदी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने के बाद जांच करवाई जा रही है और जो भी मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उक्त संदर्भ में मेरे पास शिकायत पूर्व में आई थी और उस पर कार्रवाई चालू है। क्लस्टर प्रभारी और सब इंजीनियर की एक रिपोर्ट मंगाई थी, उसमें सचिव और उन्होंने मौके पर उपस्थित होकर कहा था कि स्थान जो है परिवर्तित हो गया था और ऊपरी फलिया में बनाया है, तो मैंने उनको नोटिस जारी करके जो संशोधित TS है तत्कालिक वो मंगाई है और साथ में आने जो दस्तावेज है वो मंगाए हैं। अगर इसमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, इसमें जांच चल रही है। बहरहाल देखना होगा कि पुलिया निर्माण के नाम पर लाखों रुपए की बंदरबांट करने वाले जन प्रतिनिधि और अधिकारियों के खिलाफ प्रशासन एक्शन लेता है या फिर इसे ठंडे बस्ते में डालकर रफा दफा किया जाता है। बड़वानी से रजनीश हेनेचा की रिपोर्ट।